मटन पाए मिल जाएंगे, निहारी मिल जाएगी, तवा कीमा चिकन मिल जाएंगे, तो ये मशरूम ऑमलेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप पाए के साथ जो पराठा ट्राई करें आपको बड़ा मज़ा आएगा। किसी भी बफे में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो खाना खाने आते हैं मेरी तरह के, और दूसरे जो है वो जो पैसे पूरे करने आते हैं, इन दोनों की तरह के। तो आज हम मुझे तो साल्ट एंड पेपर, पहले आपको वैरायटी ऑफ डिशेस बता दूं यहाँ पे, इनकी टोटल जो नंबर ऑफ डिशेस तो 65 हैं, जिसमें आपको पता है कि सैलड्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। जो इनका मेन कोर्स है उसके अंदर आपको इनके मटन पाए मिल जाएंगे, मटन पाए के अलावा यहाँ पर आपको इनकी निहारी मिल जाएगी, बीफ निहारी मिल जाएगी, आपको इनकी चिकन हलीम मिल जाएगी, यहाँ पर आपको इनके जो वेफल्स और पैन केक्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्रेश साथ साथ बन रहे हैं, और इनकी बड़े मज़े की चीज़ें, इनका लाइव किचन सारा आप देख रहे हैं यहाँ पर, हर चीज़ आपको रीफिल का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसी वक्त लाइव बन रही है और आपको गर्म गर्म सर्व भी हो रही है। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पर इनका आपको फ्रेंच टोस्ट मिल जाएंगे, इनके आपको चिकन कबाब, चिकन तवा मिल जाएगा, उसके बाद हलवा पूड़ी का पूरा सेक्शन यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा वैरायटी ऑफ पराठा यहाँ पर, जिसमें आपको अचारी पराठा, आलू वाला पराठा मिल जाएगा, फिर आपको वैरायटी ऑफ एग्स में बॉयल एग मिल जाएंगे, मशरूम और चीज़ ऑमलेट मिल जाएंगे, उसमें आपको फ्राई एग मिल जाएगा, फिर इसी के साथ इनका लाइव तंदूर चल रहा है, जहाँ से आप गर्मा गर्म नान लें उसको पाए के साथ डुबो के, उसके शोरों में डुबो के तो बड़े आराम से खा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ डिज़र्ट, और इसके अलावा यहाँ पर आपको इनकी बेकरी आइटम्स में बिस्कुट्स और पेस्ट्रीज वगैरह मिल जाएंगे, फिर आपको इनके क्रोसेंट्स मिल जाएंगे, इनका इंग्लिश ब्रेकफास्ट में आपको कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क भी मिल जाएगा यहाँ पर। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप यहाँ पे नाश्ता करने आ रहे हैं या आप यहाँ पे पैसे पूरे करने आ रहे हैं, यहाँ पर आपको वो तमाम वैरायटी मिलती है। अगर आप बुज़ुर्गों के साथ, फैमिली के साथ आ रहे हैं तो भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा, अगर आप बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं तो भी आपको सारी वैरायटी यहाँ पर मिल जाएगी। इनका जो पर हेड है वो ऑलमोस्ट आपको टैक्स डाल के 1496 यानी तकरीबन 1500 में पड़ जाता है, और इस हिसाब से ये गुजरांवाला का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बफे भी है, और ये गुजरांवाला का वन एंड ओनली बफे भी है। तो यहाँ पर जो गुजरांवाला में आपको किसी भी रेस्टोरेंट में इतना ऑप्शन मिलते ही नहीं, यहाँ पर आप इतनी वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट जो एक छत में आपको मिल जाए, तो ये आप पे डिपेंड करता है। रेट्स आपको बता दिए हैं, चीज़ें आपके सामने, डिशेज आपके सामने, नंबर ऑफ डिशेज आपके सामने, और इज़ इट वर्थ और नॉट यू हैव टू डिसाइड। और अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो मैं इसकी लोकेशन आपको बता दूँ, ये आपको अगर आप गुजरांवाला सिटी वाली साइड से आ रहे हैं तो आपको कैंट के बाद रिदा मार्की के बिल्कुल साथ मिल जाता है, साल्ट एंड पेपर विलेज। और अगर आप किसी भी दूसरे शहर पिंडी साइड से, गुजरात साइड से आ रहे हैं तो आपको जैसे ही आप गखड़ क्रॉस करेंगे तो आपके राइट हैंड पे आपको मिल जाएगा साल्ट एंड पेपर विलेज। यहाँ पर इतनी फैमिलीज आपको पूरे गुजरांवाला में इतनी फैमिलीज किसी भी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए नज़र नहीं आएंगी। और आप यहाँ पर आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, इनका एम्बियंस भी इंजॉय करें, फिर इनकी जो लाइव किचन का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आपको इनके जो खाने के बनने का जो अरोमा होता है वो भी आप फील कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं मतलब ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे 10 दफ़ा डालें, इनकी स्लॉट 9 से 11 बजे तक है, 9 से 11 हम जितना मर्ज़ी खाएं यहाँ पे, 10 दफ़ा आपको आना पड़ता है, नई प्लेट लें, उठें आप यहाँ पे आके, अपना जो भी चीज़ आपको चाहिए आप दोबारा रीफिल कर लें, लेकिन उतना डालें एक टाइम पर जितना आप ख़त्म कर लें, ताकि आपका फूड वेस्ट ना हो। सो अब हम भी अपना ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं, पैसे पूरे हो जाएंगे। नहीं नहीं, दो शिफ्टें भी और लेंगे यार, दो शिफ्टें और। अच्छा, ये स्टार्टर लेके आए हो, माशाल्लाह। ये भाई का तो दूसरा राउंड चल रहा है, ये आठवां पाया चल रहा है यार, इसमें इतना मज़ा आ रहा है, मेरा दिल करता है एक सीन में आपको एक दफ़ा और दिखाऊं, ये वाला सीन दोबारा दिखाओ शम्मस, आपको मज़ा आ रहा है। पराठा लिया यार, मैं कहता हूँ अगर वो यहाँ नहीं भी आ रहा तो ये इस मज़े को फील करें। ओए होए, फील यार करके दाल खाएं, ये देखें। क्या गुजरांवाला में न्यू एडिशन आप तक पहुँचा दिया, अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा शहर।